जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर श्रेणियों, स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है स्पेशली ये सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी वीडियो है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो है SSC GD मेडिकल को लेकर। वैसे एक पूरा का पूरा मैंने वीडियो बनाया था जो लगभग 40 मिनट के आसपास है, जिसमें एक बच्चे का पूरा मेडिकल जैसे SSC GD में होता है वैसे का वैसे करके ये वीडियो डाला था आज से लगभग 2 वीक पहले 4 वीक पहले, जिसको लगभग 4 लाख के आसपास बच्चों ने देख भी लिया है। इसमें पूरी डिटेल दी हुई है इस वीडियो में। तो इस वीडियो के जब नीचे कमेंट बॉक्स मैंने आज खोला तो पाया कि कई ऐसी इंफॉर्मेशन जो इस वीडियो में भी रह गई थी वो आज मैं इस वीडियो से कवर कर रहा हूं। कई बच्चों ने कमेंट किए थे इस वीडियो के बारे में कि सर हमारे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और ये वीडियो ज्यादातर बच्चों को बहुत पसंद भी आया। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो कमांडो अकेडमी के ऑफिशियल जो चैनल है कमांडो अकेडमी, उस पर SSC GD मेडिकल सर्च करके आप देख सकते हैं। ये वीडियो पूरा का पूरा SSC GD मेडिकल को आपको क्लियर कर देगा सारे डाउट। इसके बाद में भी कई बच्चों ने अलग अलग प्रकार के कमेंट किए, जिनके बाद में मुझे लगा कि इनके कमेंट से संबंधित, देखो ऑल क्लियर सर, थैंक यू, कई बच्चों ने, क्योंकि ये वीडियो पूरा का पूरा चीजें क्लियर कर रहा था। लेकिन उसके बाद में भी कई मैंने कमेंट लिखे देखे जिनमें बच्चे और भी कई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सारे के सारे जो क्वेश्चन है वो मैं लिख के लाया हूं। ये 20 क्वेश्चन जो मोस्ट सबसे ज्यादा कमेंट में पूछा गया उनके बारे में आपको एडवाइस करने के लिए आज का वीडियो बना रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो पिछले वीडियो की तरह ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करिए भाई इसको, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर भी कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहला क्वेश्चन था जो कमेंट बॉक्स में मुझे सबसे ज्यादा देखने को मिला, हाइड्रोसील के ऑपरेशन के बाद पास या फेल। अगर आपने हाइड्रोसील की आपकी प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन करा लिया, उसके बाद इस समय आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, आप आराम से 5 किलोमीटर रनिंग कर ले रहे हैं, फिजिकली तौर पे अगर फिट है और आपके वर्षन की साइज भी बिल्कुल सही है, दोनों की दोनों गोलियां बराबर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पास हो जाओगे। ठीक है भाई, क्लियर है पहला डाउट जितने भी बच्चे हैं। और भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में बताते रहना। एलर्जी की समस्या, स्कैन पर सफेद धब्बे, दाद खाद। एलर्जी की अगर आपके समस्या है तो इसका कोई मेडिकल पॉइंट नहीं है, इसके लिए आपको दवाई ले लेना चाहिए। अगर दाद खाद है तो इसके लिए भी दवाई ले लेनी चाहिए, आप मेडिकली इसमें बाहर नहीं होंगे। ठीक है, अगर सफेद धब्बे है बॉडी पर, अब वो किस प्रकार के हैं, कितनी मात्रा में, अगर वो पूरी बॉडी पर बहुत ज्यादा मात्रा में है तो आपको इसमें पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा, और आप सबको पता है SSC GD में रीमेडिकल उसी दिन जाता जाएगा, तो आपके चांस बढ़ जाएंगे फिर फेल होने के। तो धब्बे कितने हैं, किस मात्रा में, ये डिपेंड करेगा। अगर छोटे मोटे अगर नॉर्मल धब्बे हैं तो वो उस वीडियो में मैंने एक बच्चे के थे तो उसको उस वीडियो को आप एक बार फिर से देख लीजिए, उसमें बताया है मैंने। ठीक है, शोल्डर डिसबैलेंस, देखो अगर शोल्डर डिसबैलेंस है और वास्तविक में ही है तो आपको मेडिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, कि आपका जो खड़ा होने का शेप है वो इस प्रकार से है तो ये तो दिखता ही पॉइंट है, तो आप कोशिश करिए ना कि आप सीधे खड़े हुए शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर कोशिश करिए अपने आप को ठीक करने की, ठीक से खड़े होने की। अगर डिसबैलेंस है, ज्यादा डिसबैलेंस अगर 19-20 है तो चल जाएगा, लेकिन 10-20 है तो नहीं चलेगा। फिस्टुला की समस्या, पास या फेल। अगर है समस्या तो फेल, या तो आप इसको ठीक करा लीजिए नहीं तो पक्का फेल। अगले, शरीर पर मांस की गांठ बनी हुई है, पास या फेल। पास हो जाओगे, छोटी छोटी सी गांठें होती है, उसका कोई ज्यादा मेडिकल पॉइंट नहीं होता, और उसके लिए दवाई भी ले लीजिए डॉक्टर से। सीना किस तरह से फुलाना चाहिए, ये भी कई उस वीडियो में नीचे कमेंट थे। सीना फुलाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल जैसे सीधा, अंदर मैक्सिमम सांस भरनी है, देखो ऐसे, और फिर साइड से हाथों को टाइट कर देना है। ठीक है, पहले ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना, सांस अंदर ऐसे, ठीक है, ये तरीका है भाई। हाथ पैर, हाथ पैर टूट गया था, पास या फेल। अगर टूट गया आपने ठीक करवा लिया तो पास, अगर अभी भी ठीक नहीं करवाया तो फेल। भाई हाथ पैर टूट गया, आपका ऑपरेशन हो, आपके कैसे भी काम हो गया, आपका इस समय ठीक है तो पास। हार्निया की समस्या है, इलाज करा लीजिए नहीं तो फेल हो जाओगे। हार्निया की समस्या दिख जाएगी दूर से, पता चल जाएगा अगर है समस्या तो। अगर सिर्फ एक ही पॉइंट मिले तो पास या फेल। हाँ,
देखो ये मैटर नहीं करता कि आपको एक मेडिकल पॉइंट मिला या चार मेडिकल पॉइंट मिले, आपको एक मिला चाहे चार मेडिकल पॉइंट मिले। कई बार ऐसा होता है कि चार के चार मेडिकल पॉइंट रीमेडिकल में टूट जाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि एक मेडिकल पॉइंट मिला और वो भी नहीं टूटता। दोनों चीजें डिपेंड करता है कि आपको मेडिकल पॉइंट किसमें मिला है या किस चीज का मिला है। आपको कोई ऐसा मेडिकल पॉइंट मिला है कि जो वाकई में ही बहुत बड़ी बीमारी है या वाकई में ही वो आपको बाहर मेडिकली तौर पे अनफिट करती है, तो आप एक में ही बाहर हो जाओगे, और नहीं तो भले पांच मिल जाए। अगर आप बाद में जब मेडिकल में आप मान लो वापस आपका रीमेडिकल हो, उनको लगे ठीक है तो पास हो जाओगे। ठीक है, अगला है राइट या लेफ्ट निप्पल ऊपर नीचे है। अगर आपका लेफ्ट और राइट निप्पल ऊपर नीचे है, अगर 19-20 तक है तो नॉर्मल बॉडी में चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन काफी डिफरेंस दिखे जैसे कि उस वीडियो में मैंने बताया था, तो फिर प्रॉब्लम है। वेरिकोसील की समस्या पास या फेल, फेल। स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स के धब्बे, चिकन पॉक्स के धब्बे से आप फेल नहीं होंगे, पास हो जाओगे। अगर चिकन पॉक्स के धब्बे हैं तो आप पास हो जाओगे, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप इसके लिए इलाज भी अपना करा लीजिए भाई। हाथ पैर की उंगली टेढ़ी मेढ़ी, डिपेंड करता है कि कितनी टेढ़ी है। अगर नॉर्मली है 5%, 4%, 10% उस पर कोई तकलीफ नहीं, लेकिन ज्यादा ही टेढ़ी मेढ़ी है। एक चीज और बता दूं आपको, आप प्री मेडिकल करा भी सकते हैं। अगर आपको ज्यादा ही समस्या लग रही है तो आप प्री मेडिकल कराने के लिए हमारे एकेडमी भी आ सकते हैं, नीचे दिए गए नंबर पर पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। ठीक है, प्री मेडिकल हमारे बार SSGD के लिए चलाते हैं। उसका फायदा आपको यह है कि आपका पूरी बॉडी का मेडिकल हो जाता है, आपको कोई भी समस्या होती है सब बता दी जाती है उसमें। ठीक है, ताकि आप इलाज करा सके समय पर। हाथ पैर की उंगली अगर टेढ़ी मेढ़ी है, किस पोजीशन में उस पर डिपेंड करता है। ज्यादा एक टेढ़ी मेढ़ी है तो फेल हो जाओगे, पॉइंट कर देगा, बाहर कर देगा। गले में ऑक्सील की समस्या अगर अभी भी है तो फेल। हाथ या पैर में जले हुए का निशान है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर जले हुए का निशान है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शरीर में मांस मस्सा पास का या फेल, मस्सा अच्छा अगर है तो उसका इलाज करा लीजिए। इलाज कराने के बाद में पास हो जाओगे, अन्यथा फेल हो जाओगे। अगर अभी भी है आपके तो उसका इलाज करा लीजिए, मस्से का उसका इलाज होता है। और कोशिश करिए कि आयुर्वेदिक तरीके से यानी सही तरीके से आप उसका इलाज कराएं तो ठीक होगा मामला। नहीं तो अगर आप उसका गलत तरीके से कराओगे तो मामला बैठेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि अगर है प्रॉब्लम तब तो आपको पता ही है मस्सा चेक होता है, आप सबको पता है। अगर होगा तो बाहर ही होगा, सीधा पॉइंट की जरूरत नहीं, सीधा बाहर हो जाएगा। कहां बहना पास है फिर इलाज करा लेना, अगर बहता हुआ मिला तो फेल हो जाओगे पक्का 100%। बवासीर से चमड़ी एक्स्ट्रा हो गई है, अगर चमड़ी एक्स्ट्रा निकल रखी है तो उसका अभी तुरंत इलाज कराइए, भले ही ऑपरेशन कराइए, कुछ भी कराइए, जैसे भी उसका हो सके इलाज कराइए, नहीं तो फेल हो जाओगे भाई लाडले। समझ गए ना, अगर इलाज नहीं हुआ तो फेल हो जाओगे। लिपोमा की समस्या पास या फेल, डिपेंड करता किस लेवल पर आपको वो समस्या है। अगर ज्यादा है तो फेल हो जाओगे। एक आंख नहीं घूमती, दूसरी आंख घूमती है, इस कंडीशन में फेल हो जाओगे, क्योंकि आंखें तो आपकी दोनों की दोनों यूं पेन को फोकस करके और ऐसे घूमनी चाहिए भाई। ठीक है, यूं यूं घुमा के चेक कर लेना खुद भी, आंखें तो घूमनी चाहिए, नहीं घूमेगी तो फिर फेल हो जाओगे, तब तुम्हारा आंखें दिमाग दोनों घूम जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कमेंट थे जिनके मेरे ख्याल से आप सबको आंसर मिल गए होंगे। इसके अलावा भी आपका कोई भी संदेह डाउट तो आप कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा उनके जवाब देने की। ठीक है, जय हिंद, जय भारत लाडू।